अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिनफा का किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई की रेसिपी लाई हूँ। बहुत इजी रेसिपी है, आइए इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। 1 किलो चिकन, जिसको मैंने अच्छी तरह धो लिया है और इसके इस शेप के मैंने पीसीस कटवा लिए हैं। 1 किलो टमाटर, जिसको मैंने लंबी शेप में काट लिया है। हस्बे ज़रूरत अदरक, सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया, इसको मैंने काट लिया है। 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 3 पीस दालचीनी और 1 मोटी इलायची, सुरख मिर्च पाउडर 1/2 टेबलस्पून, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट, नमक 1 टेबलस्पून, आप हसबे जायका भी यूज़ कर सकते हैं, बीट किया हुआ दही 1 प्याली। सबसे पहले एक देगची लेके उसको लो फ्लेम पे रखेंगे, फिर इसके बीच में धुला हुआ गोश्त ऐड करेंगे, साथ ही इसमें कटे हुए टमाटर ऐड कर दूंगी। इसमें मैं लहसुन पेस्ट ऐड करूंगी, साथ ही नमक, हल्दी और सुर्ख मिर्च भी ऐड कर दूंगी। साथ ही इसमें 2 ग्लास पानी ऐड कर दें। अब इसमें मैं दालचीनी और मोटी इलायची भी ऐड कर दूंगी। अब इस पर ढक्कन देके इसको 8 मिनट के लिए दरमियाने फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देना है। 8 मिनट हो चुके हैं, ये देखें टमाटरों ने पानी छोड़ दिया है और ये गल चुके हैं। चिकन हमें हाफ कुक चाहिए था, ये देखिए हाफ कुक हो चुका है। अब मैं तेज़ फ्लेम पे इसका पानी खुश्क करती हूँ। अब देखिए इसका पानी मैंने खुश्क कर लिया है। पानी ज़्यादा खुश्क नहीं करना, थोड़ा थोड़ा इसमें रखना है। अब इसमें मैं 1 कप ऑयल का ऐड करूँगी। ऑयल ऐड करने के बाद ये तीनों मसाले इसमें ऐड करके इसे अच्छे से भून लेना है। अब ये थोड़ा सा भूनने के बाद 1 प्याली दही, जिसको हम मैंने बीट कर लिया है, इसको आपने डाल के इसको भी अच्छे से मिक्स करना है। इसको आप भूनते जाएं, साथ साथ जो साथ मसाला लगता है इसको भी आप उतारते जाइए। अब ये मेरी चिकन कढ़ाई ऑयल छोड़ना शुरू हो चुकी है। अब मैं इसमें 1/2 कटा हुआ अदरक और 1/2 कटी हुई सब्ज़ मिर्चें इसमें ऐड करूँगी, बाकी मैं गार्निश के लिए छोड़ देती हूँ। अदरक और सब्ज़ मिर्च डाल के इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। ख्याल रखिए कि हमारा चिकन टूटना नहीं चाहिए। ये देखें, ये हमारी बोटी साबुत है, गल भी चुकी है और साबुत बोटी है। ये हमारी झटपट तैयार होने वाली कढ़ाई तैयार हो चुकी है। कढ़ाई ने ऑयल छोड़ दिया है, अब हम इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। कटी हुई सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया और अदरक से गार्निश करते हैं। घर के मसालों से बनी चिकन कढ़ाई रेडी है। मैंने आम मसाले इस्तेमाल किए हैं जो हर घर में मौजूद होते हैं। इसका बहुत अच्छा जायका आया है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।